हेलो माय डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आई होप यू हैव रेड दिस पोयम द सन एंड कम्प्लीटली अंडरस्टूड दिस पोयम एंड ऑलरेडी डन द एट लाइन्स ऑफ दिस पोयम ओके सो टुडे वी विल डू इट्स बुक वर्क ऑल्सो जस्ट ओपन पेज नंबर 31 सी वट वी हैव टू डू इन दिस टिक द करेक्ट सेंटेंसेस द स्पीकर थिंक्स दैट द सन इज तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों पर टिक करना है बेटा ये आपका MCQ पैटर्न में है कि आपको ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सन के बारे में स्पीकर ने भूली हैं ओके सबसे पहले स्लीप्स एट नाइट सो यस इट इज़ राइट आप इस पर टिक कर सकते हैं नेक्स्ट इज हाइड्स बिहाइंड द हिल्स तो इस पर भी तो उसने बोला था ना कि कहीं तुम उसके पीछे तो हिल्स के पीछे तो नहीं छुप जाते हो नेक्स्ट इज बिकम्स द मून इन द नाइट सो ये भी स्पीकर ने बोला है इस पर भी टिक लगाएंगे नेक्स्ट इज हाइड्स बिहाइंड द क्लाउड एट नाइट क्लाउड के पीछे तो नहीं बोला था तो इट्स इस पर नहीं लगाएंगे गोज बैक टू इट्स होम टू स्लीप ये भी बोला था कि जैसे हम वर्क करके थक जाते हैं ऐसे आप भी अपने घर जाते हो थक जाते हो नेक्स्ट इज हाइड्स इन द फॉरेस्ट फॉरेस्ट में तो स्पीकर ने कहीं डिस्कस नहीं करा पोयम में तो आप इस पर टिक नहीं लगाएंगे एंड गोज अराउंड द अर्थ तो इसमें बोला था राउंड राउंड अर्थ के होते हैं तो इट्स राइट सो इन दिस वे आई विल सेंड यू आंसर की ऑल्सो यू कैन चेक इट फ्रॉम हेयर सो आपको बेटा इसमें क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग टिक करना है कि जो जो बातें स्पीकर ने बोली हैं अबाउट सन इन दिस पोयम ओके नाउ सी दिस इज अ क्वेश्चन व्हाट डज द स्पीकर थिंक द मून इज तो इसमें बेटा द मून इज इट्स अदर साइड ये स्पीकर ने क्या सोचा था कि जो मून है वो सन की दूसरी तरफ है एक तरफ सन है एक तरफ मून है तो रात को वो आ जाता है सुबह वो आ जाता है ऐसे करके ओके नाउ सी अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट इज द सन हाइडिंग प्लेस तो हाइडिंग प्लेस पर्टिकुलर उसने क्या बोला है बिहाइंड द हिल्स तो इसका आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द सन हाइडिंग प्लेस इज बिहाइंड द हिल्स व्हाई डज द स्पीकर वॉन्डर इफ द सन नीड्स टू रेस्ट तो अगर सन को रेस्ट चाहिए तो उसमें स्पीकर को वॉन्डर्स क्या आश्चर्य हो रहा है तो इसमें आ जाएगा बेटा द स्पीकर वॉन्डर्स द इफ द सन नीड्स टू रेस्ट बिकॉज द सन ऑलवेज शाइन फॉर द होल डे ओके सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन यू डोंट राइट यू जस्ट राइट द ऑप्शनल आई विल सेंड यू आंसर की वेकअप अपोजिट बताने हैं इनके कहाँ से बताने हैं आपकी बुक में से ही बताने हैं पोयम में से ही बताने हैं जैसे वेकअप का अपोजिट वेकअप मैंने होता है उठना तो वेकअप का अपोजिट क्या होगा स्लीप तो स्लीप आपकी पोयम में दिया हुआ है थर्ड लाइन के अंदर आप देख सकते हैं चेक कर सकते हैं सो हेयर यू कैन चेक इट फ्रॉम पोयम येस हेयर इट इज़ गिवन येस चेक इट आउट थर्ड लाइन डज इट स्लीप और डज इट हाइड तो स्लीप वर्ड मिल गया हमें सो ऐसे पोयम में से ही जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पोयम में से ही ढूंढते हैं सेकंड इज इनसाइट तो इनसाइट का क्या हो जाएगा आउटसाइड ये सारे के सारे वर्ड्स हमें पोयम से ही मिलेंगे ओके कूलिंग का वार्मिंग एंड क्विकली का स्लोली नाउ ऑल ऑफ यू टर्न द पेज सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस पेज आपको फाइंड ऑल द 8 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम इन द पोयम आपको बेटा इसमें पोयम में कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं आपको उनको लिखना है इसमें से जैसे कि फर्स्ट इज डन फॉर यू ब्राइट नाइट राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं द राइमिंग वर्ड्स दैट एंड्स विद द सेम साउंड जिनका एंडिंग साउंड सेम होता है ओके स्पेलिंग चेंज हो सकती है बट साउंड सेम होता है जैसे कि ब्राइट नाइट हाइट साइड हिल्स चिल्स रेस्ट बेस्ट होम रोम सो इन दिस वे दैट फ्लैट राउंड ग्राउंड सो इन दिस वे यू कैन चेक इट फ्रॉम हेयर सो दीज आर राइमिंग सो डियर स्टूडेंट्स यू कैन चेक इट आई अंडरलाइन इट येस ब्राइट नाइट हाइट साइड हिल्स चिल्स रेस्ट वेस्ट होम रोम अराउंड टाउन दैट फ्लैट राउंड ग्राउंड सो इन दिस वे दीज ऑल आर राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम योर poem so you can match it and write it in your book on page number 32 okay now see the next question
यस बेटा, यू कैन सी दिस इज अ बी पार्ट. द स्पीकर टॉक्स अबाउट द सन एज इफ इट व अ पर्सन. टेक द सेंटेंसेस दैट शो अस. मतलब क्या है कि स्पीकर इसमें क्या बता रहा है बेटा कि जैसे सन एक पर्सन है, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी पर्सन की क्वालिटी है जो ये शो करती है कि सन को स्पीकर ने एक पर्सन की तरह शो करा है. डू यू थिंक इट नीड्स रेस्ट? तो उसने जब पूछा ना कि सन को भी रेस्ट चाहिए होगा, बिकॉज जैसे हम लोग काम करते हैं थक जाते हैं, तो सन भी रेगुलर शाइनिंग करता है, पूरा दिन काम करता है तो थक जाता है. तो यू कैन राइट हेयर टिक. ओके. और इज़ द मून इट्स अदर साइड? तो हम जो इंसान है हमारे अदर साइड मून नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर. कुड इट इवन हैव अ होम? तो ऐसे ही उन्होंने बताया ना एक लाइन में, पैराग्राफ में, कि जैसे हम अपने रात को घर थक के जाते हैं, तो ऐसे शायद हिल्स के पीछे, बिहाइंड द हिल्स, सन भी अपने घर पर चले जाता है, इसलिए हमें रात को नहीं दिखता है. तो यू कैन ऑल्सो टेक हेयर. सो स्टूडेंट्स, यू जस्ट कम्प्लीट दिस बुक वर्क टूडे, एंड इफ देयर इज एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी. दिस इज़ अ एक्सट्रैक्ट ऑल्सो, सो आई विल गिव यू दैट अनदर एक्सट्रैक्ट फॉर प्रैक्टिस, सो यू कैन डू इट ईजिली. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.